사망의 바로 반부하의 사는 사망의 바로 반부하의 사는 баран кормим, не мы прямо сукун. А что горим еще? А что не хапа? Мы же туар, газ нас есть. Мы же сон еще пара чуть-чуть ред, мага это что треш марабат. А за что еще гора по грехах, за что со чар моя роч, а с колю треш вот. Треш ты роч. Мага то и то что я вас. Пока сарки, а с дию вор, мага я с сыгарю ки хелоп. А что то я с таяр сон. Мага то ты роч вот а с а что треш марабат сон. वोट त्रे ठीक वन अगर नदलाव हेको कह ठीक अगर तु भारतीय जनता पार्टी हकीकत ये कामयाब बन ठीक ये चीज करो तम पम पा इनशा रहमान तुम थो ये उम्मीद कि योर वा आब तड़क तथ कीज कु चीज रोज प्रॉब्लम क्योंकि अब लोग बदलाव चाहते हैं। बदलाव एक ही चीज से होगा, वो भारतीय जनता पार्टी की ही वजह से होगा, क्योंकि इन्होंने देखा है जब से भारतीय जनता पार्टी ने हुकूमत संभाली पूरे देश में, खासकर जम्मू कश्मीर की मैं बात करूं, जो इस्तेसाल पिछले 70 सालों से हुआ था, आज इन की हुकूमत में नहीं हुआ। और जो छोटी सी छोटी चीजें जो गरीब को चाहिए, उन चीजों पे भारतीय जनता पार्टी खासकर ख्याल करती है और जो वोट डालते हैं, हकीकत में गरीब जनता वोट डालती है। इनके इनको जो इस्तेसाल हुआ इन हुकूमतों में, अब ये बदलाव चाहते हैं। हर जगह हमारा प्रोग्राम होगा और मैं खासकर जिले कुपवाड़ा की आवाम से अपील करता हूँ, वो ताउन करे भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि हमने सब कुछ खोया भी है और हमने सब कुछ देखा भी है। एक मौका है आपको मरकज से जुड़ने के लिए और इस डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा को आगे बढ़ाने के लिए। फिलहाल जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे बिना सरबराह के है, क्या आपको नहीं लग रहा है कि वो ज्यादा उन्हें और ज्यादा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि स्ट्रीम लाइन नहीं है कहीं भी भारतीय जनता पार्टी? आप ये देखें कि भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी को जोड़ने की जरूरत है। ये उन पार्टियों में जरूरत पड़ती है जहां पे चापलूसी होती है। भारतीय जनता पार्टी में नहीं है, मगर भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े लीडर है वो इस पे विचार कर रहे हैं। मेरे ख्याल में 15 अगस्त तक या 15 अगस्त के बाद जिले सदर का ऐलान होगा। किसका होगा? होगा इंशाल्लाह रहमान जरूर ऐलान, और इस जिले कुपवाड़ा के लिए सबसे बेहतरीन होगा। कह रहे हैं कि फिलहाल फोर्सफुली हर एक डिस्ट्रिक्ट में कहा गया है, श्रीनगर में ऐलान कर दिया गया कि 15 अगस्त को हर स्कूल में उससे पहले वहां पे झंडा लहराया जाए। क्या आपको नहीं लग रहा है कि फोर्सफुल हो रहा है, जबकि इतनी ज्यादा जरूरत भी नहीं है शायद? नहीं, ये तो हकीकत है, कोई फोर्सफुल नहीं है। हमें हर एक को, मेरे ख्याल में स्कूल में क्या, हम हर एक घर में इस तिरंगे को सल्यूट करते हैं और इसको चढ़ाना चाहिए। देखो इनसे फिर के परस्ती जो ताकते हैं यहाँ पे वो कमजोर हो जाएंगे। हकीकतन में अगर बाहर आके हम अपना जुनून दिखाएंगे, अपना मोहब्बत दिखाएंगे, हकीकतन में हमारे नौजवान आगे बढ़ेंगे, हमारी जम्मू कश्मीर के लोग आगे बढ़ेंगे, जिन्होंने 30 सालों से यहाँ डर का माहौल देखा, जिन्होंने 30 सालों से कत्लगार देखी, जिन्होंने 30 सालों से मरगुजारों को आबाद होते हुए देखा है। मैं समझता हूँ सबसे बड़ा महत्वपूर्ण फैसला है हर घर पे चढ़ जाए।